दूसरा लॉ, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा, हमने काफी कुछ इसके बारे में बात किया है आपके साथ में काफी कार्यक्रम में। लॉ ऑफ कर्मा हर गए कार्यक्रम में हम बोलते हैं, लेकिन अभी हम डॉक्टर दीपक चोपड़ा से सुनते हैं लॉ ऑफ कर्मा। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या समझाया है कि लॉ ऑफ कर्मा का मतलब, कर्मा का मतलब है एक्शन। अभी एक्शन दो किस्म को होते हैं, एक तो फिजिकल एक्शन और एक मेंटल एक्शन, यानी कि जो हम विचार सोचते हैं, जैसा सोच वैसा ही हमारा वो आकर्षण होता है, जो बोएंगे वो पाएंगे। तो अगर आपने एक्शन सोचा और किया, दो टाइप के एक्शन, एक को, एक तो सबको नीचे गिराने के लिए और एक सबको मदद करने के लिए, आप कौन सा एक्शन सोचते हैं और करते हैं, जैसा सोच वैसा आप करेंगे, तो आप कौन सा एक्शन सोचते हैं, दूसरों को मदद करने के लिए या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। तो जलन 0 to 40 जो वाइब्रेशन है सबको नीचा दिखाने के लिए है, 70 to 100 वाइब्रेशन है सबको मदद करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, आपको अपने आप को पूछना है। इसीलिए हमारे जीवन में जो भी होता है, एक जो भी हो रहा है, हमने कहीं ना कहीं उसका बीज बोया था या बोया है। ओके, तो अगर हमारे जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है, शरीर में तकलीफ है, कोई बात नहीं, हमने उसका बीज बोया है, अभी हम उसका उसका फल निभा रहे हैं। लेकिन हम आज जो बीज डाल रहे हैं वो कल उसका जो फल है अलग होना है, अच्छा हो सकता है अगर हमने आज बीज अच्छा डाला है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमको तकलीफ हो गया मेरे शरीर में, तकलीफ है, कोई बात नहीं, तकलीफ है तो मैंने कुछ गड़बड़ किया है इसीलिए मुझे तकलीफ हो रहा है, आज मैं जो करूंगा सोचूंगा तो कल मेरा ठीक होगा, तो आज मैं उसको विचार को बदलता हूँ, आज उसको ब्लेसिंग देता हूँ, आज उसको कृतज्ञ भाव में रखता हूँ, आज शरीर को अगर दर्द है उसको शुक्रिया देता हूँ, आज धन कमी है तो मैं उसका भी शुक्रिया देता हूँ कि मैं उस स्थिति से मैं कुछ सीख रहा हूँ, मेरा रिश्ता किसी से खराब है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि भी मैं वो रिश्ते में मैं सीख रहा हूँ। तो हर एक वक्त में हम सीख रहे हैं, ये हम लॉ ऑफ कर्मा, अगर लॉ ऑफ कर्मा को इस्तेमाल करना है और आपके भलाई के लिए, तो जो भी हमारे जिंदगी में होता है हम खुश है, सेलिब्रेट कर रहे, ब्लेसिंग्स कर रहे, इसका मतलब है लॉ ऑफ कर्मा। और हम समय दे रहे, दूसरों को मदद कर रहे या नहीं कर रहे। तो मैंने सभी लोगों को बोला था कि आप 15 मिनट लोग को, दूसरे लोगों के लिए दीजिए 15 मिनट रोज। आप अगर समय निकाल सकते हैं लोगों को मदद करने के लिए, डिजाइन योर लाइफ प्रोग्राम को करने, इनवाइट करने के लिए, तो काफी लोग ने हाँ बोला, सो वेरी गुड, काफी लोग ने हाँ बोल रहा है और कर रहे हैं, काफी लोग ने नहीं किया है और काफी लोग करना चाहते हैं। तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आप 15 मिनट देना चाहते हैं तो आप लिखो 15 मिनट्स मैंने शुरू कर दिया, स्टार्टेड, या 15 मिनट्स आपने बोला लेकिन किया नहीं, लेकिन आप करना चाहते हैं आज से तो करेंगे, तो 15 मिनट्स आप बोलो करेंगे। और जिनको मालूम नहीं और देना चाहते हैं 15 मिनट, तो आप बोलो 15 मिनट्स आई वॉन्ट टू स्टार्ट। सो 3 थिंग्स यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, 15 मिनट्स स्टार्टेड, 15 मिनट्स विल स्टार्ट, मतलब आपने कमिटमेंट किया लेकिन किया नहीं, अभी तक शुरू नहीं किया, और 15 मिनट्स आई वॉन्ट टू स्टार्ट। तो आप जो बीज डाल रहे हैं आज, वो बीज जो है कल आपको बहुत बहुत फल लाएगा। जो अगर आप चाहते हैं लोग आपका मदद करें, अरे आप मदद कर रहे हैं कि नहीं लोगों के लिए, आप चाहते हैं कि लोग आपको समृद्धि दे, लोग आपको हेल्प करें, आर यू डूइंग इट,
तो आप 15 मिनट, इसको बोलते हैं नोबडीनेस साधना, चैट बॉक्स में तीन चीज लिखो, यस स्टार्टेड, विल स्टार्ट टुडे, क्योंकि कमिटमेंट आपने दिया है पहले लेकिन किया नहीं, और आई वॉन्ट टू स्टार्ट, वन ऑफ द थ्री यू कैन राइट डाउन इफ यू वॉन्ट, कोई कंपल्सरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको लॉज बता रहा हूं, और लॉज का अगर आपने इस्तेमाल किया तो बहुत बहुत मजा आएगा।